तो मूवी की शुरुआत होती है एक लेजेंडरी किलर मार्कस से, जो कि एक बार में अपना टारगेट रशियन माफिया को निपटाने पहुंचा, जहां उसने जैसे ही माफिया को वॉशरूम में जाता देखा तो उसने वहीं जाकर उस माफिया को निपटा दिया, जिसके बाद उसने अपने अड्डे पर आकर वो नकली मूंछ भी हटा ली। और इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं किंग ऑफ किलर्स। तो मार्कस वापस घर जाने लगा, जहां उसके बॉस कोर्जा ने उसे बताया कि कल तुम्हें एक और टारगेट को निपटाना होगा, जिस पर मार्कस ने पहले तो मना किया क्योंकि कल उसकी एनिवर्सरी थी। लेकिन फिर कोर्जा ने जब कहा कि तुम कोई सरकारी नौकर नहीं हो जो अपनी मर्जी से छुट्टी ले लोगे, तब यह सुनकर मार्कस अपनी औकात के हिसाब से उस टारगेट को निपटाने के लिए मान गया। अब वो यहाँ से अपने घर पहुंचा, जहाँ अपनी बीवी लॉरा के साथ गुड मॉर्निंग करके इन्होंने अपनी बेटी लूसिया के साथ ब्रेकफास्ट किया। तब लॉरा ने मार्कस से पूछा कि आज हम एनिवर्सरी के लिए कहाँ जाएंगे, जो सुनकर मार्कस बोला कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। अब ये कहकर वो यहाँ से अपने अड्डे पर जाने लगा, जहाँ उसके पीछे से लॉरा इनकी एनिवर्सरी के लिए तैयार हो रही थी और मार्कस भी अपने टारगेट की आलू पूड़ी बांटने की तैयारी करने लगा। जिस बीच लॉरा को मार्कस का मैसेज आया कि तुम मुझे फलाने बार में मिलना, जबकि मैं बता दूं कि मार्कस ने ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं। खैर, अब वो अपने टारगेट को मारने उस फलाने बार में पहुंचा, जहां उसे अपना टारगेट दिखते ही उसने उसका पीछा किया। तभी यह लॉरा भी पहुंची, जिसने जब मार्कस को मुच्छड़िया अवतार में देखा तो वो उस पर शक करते हुए उसका पीछा करने लगी, जहां मार्कस भी अपने टारगेट को प्रसाद देने पहुंच गया। तभी यहाँ एक आधे नंगे आदमी ने उस पर शूट किया, लेकिन मार्कस ठहरा लेजेंडरी हिटमैन तो उसने उस आधे नंगे को पूरा नंगा कर दिया। लेकिन इसी बीच जैसे ही उसने वो गेट खोला तो देखा कि बाहर लॉरा के तो उसके नाम से ही मिलते जुलते कुछ लग गए, जो देखकर वो बहुत रोया। अब उसके रोने से ये कहानी एक साल आगे आई, जहां उसकी बेटी का ध्यान उसकी नानी भी रखती थी। लेकिन मार्कस आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर उसकी बीवी वहां बार में कैसे आई। साथ ही अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम भी छोड़ दिया था, लेकिन तभी उसे एक काले रंग का लिफाफा मिला जिसमें कि एक पेन ड्राइव थी। तब उसने वो पेन ड्राइव लगाई तो देखा कि एक वीडियो में कोई रोमन नाम का शख्स एक ग्रेटेस्ट हिटमैन ड्रैको को मारने के $10 मिलियन दे रहा था। लेकिन मार्कस को अब ये धंधा करना ही नहीं था, इसलिए उसने इस वीडियो को इग्नोर किया, जिसके बाद वो यहाँ से जाता कि तभी उसके गेट पर खुद रोमन पहुंचा। तब मार्कस बोला कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला, जो बात इग्नोर करके रोमन ने मार्कस से कहा कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर लेना चाहिए क्योंकि तुम एक लेजेंडरी किलर हो। लेकिन मार्कस ने मना किया क्योंकि अभी उसे सिर्फ अपनी बीवी के कातिल को पकड़ना था। साथ ही असल में इन्हें जिस किलर को मारना था, यानी ड्रैको, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, तो क्यों मार्कस अपनी जिंदगी में इतना कलेश पाले कि पहले उसे ढूंढो, पहचानो, मारो, इससे अच्छा ऐसे ही ठीक है भाई। तब ये सुनकर रोमन भी उसे अपना कार्ड देकर यहाँ से चला गया। जिस बीच मार्कस को हॉस्पिटल से कॉल आया तो पता चला कि उसकी बेटी का दिल काफी बढ़ रहा है, इसलिए जल्दी ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, जिसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तब ये सुनकर मार्कस ने रोमन का वो ऑफर एक्सेप्ट किया, जिसके बारे में डिस्कस करने वो अपने पुराने बॉस कोर्जा के पास भी पहुंचा, जहां कोर्जा ने उसे सावधान किया कि तुम जिस किलर से भिड़ने जा रहे हो असल में आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया, पर मार्कस को कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना है, इसलिए वो रोमन के मिशन के लिए उसकी बताई गई जगह टोक्यो में पहुंच गया, जहां रोमन उसे रिसीव करके एक ऐसे कमरे में लाया जहां पर दुनिया के सबसे बेस्ट किलर मौजूद थे, जिन्हें भी रोमन ने सेम कॉन्ट्रैक्ट ही दिया था। तभी ये लोग आपस में कलेश मचाने लगे क्योंकि इन सबको लगा कि ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बट जाएगा। लेकिन इनके इस कलेश के बीच या एंट्री हुई हमारे मोस्ट वांटेड किलर ड्रैको की,
जिसने इन सब के स्वागत में हलवा खाते हुए इन सब के बारे में बताया कि यह है मार्कस जो अपने टारगेट को मार मार के कस देता है, दूसरा छंगा जो अपने वार से करता है दुश्मनों को नंगा, तीसरी आशा जो अपने टारगेट्स को देती है निराशा, चौथा ये अफ्रीकन भालू जो निकालता है सबका कचालू, बाकी पांचवा ये मोमो जो अपने दुश्मनों की चटनी निकाल देता है। सब पे राइमिंग नहीं बनती भाई। और हाँ, अब बचे एक दो किलर जो जल्दी मर जाएंगे, तो क्यों उनके बारे में जानकर अपने दिमाग पर लोड लेना। खैर, अब ड्रैको ने इन्हें बताया कि असल में तुम सबका कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह बना है कि या तो तुम वो 10 मिलियन जीतोगे या फिर मेरे हाथों ही मारे जाओगे। जो सुनकर ये कल्लू किलर इस गेम को खेलने से मना करने लगा, लेकिन तभी उसके जाने से पहले ही रोमन के आदमी ने उसे बहुत दूर भेज दिया, जो देखकर ये सब समझ गए कि इन्हें ये कॉम्पिटिशन करना ही होगा। साथ ही तब ड्रैको ने बताया कि अब तुम्हारे पास अगले 24 घंटे हैं जिसमें तुम जितना आराम कर सकते हो कर लो, बाकी उसके बाद तुम सबका सामना मुझसे होगा। तब ये सुनते ही रोमन ने इन सबको इनके रूम्स दिखा दिए, जहां अचानक से मार्कस के रूम में आशा भी आ गई। तब हमें पता चला कि ये दोनों किलर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जहां एक बार इन दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब इन्हें मिलकर काम करना होगा। जिसके कुछ देर बाद ही मार्कस को अपनी बेटी लूसिया की कॉल आई, तब उसने उसे प्रॉमिस भी किया कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस बीच यहाँ आशा भी पहुंच गई, तब वो मार्कस के काफी पास जाने लगी ताकि वो मार्कस का निकाल सके दम, लेकिन वो ऐसा करती कि उससे पहले ही मार्कस ने उसे रोक दिया। असल में आशा ये इसलिए कर रही थी ताकि जितने कम किलर्स उतना कम कंपटीशन, लेकिन तभी मार्कस ने उसे एक धोबी पछाड़ देकर बर्तन मांजने भेज दिया। दूसरी तरफ मोमो भैया भी अपनी तैयारी करने लगे कि उन्हें तो वो 10 मिलियन डॉलर जीत कर मोमो का ठेला लगाना ही पड़ेगा। जहां मार्कस अपने सपनों में मस्त था कि कैसे उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए वो पैसे चाहिए ही होंगे। अब अगली सुबह सारे किलर्स एक साथ इकट्ठा हुए, जहां रोमन ने इन सबको कुछ हथियार दिखाए, जिसमें से इन्होंने अपनी अपनी पसंद और स्किल के हिसाब से एक एक हथियार चुन लिया। जिसके बाद रोमन ने इन सबको एक एक टोकन लेने के लिए कहा, जिसके हिसाब से ये किलर्स बारी बारी ड्रैको से भिड़ने जाएंगे। तब सबसे पहले हमारे छंगे भैया का नंबर आया, जो अपनी बजूका लेकर ड्रैको से भिड़ने निकल गए, जहां दूसरी तरफ ड्रैको भी अपना मास्क लगाकर इन सब के लिए तैयार था। साथ ही यह बाकी किलर्स छंगे की लाइव वीडियो भी देख सकते थे, जिससे कि इन्हें पता चलेगा कि ड्रैको कितना खतरनाक किलर है। तब यह छंगे ने भी आगे बढ़ना शुरू किया, जहां उसे ड्रैको तो दिखा लेकिन असल में वो सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन थी, जिससे छंगा कुछ समझ पाता कि इतने में पीछे से आकर ड्रैको ने छंगे को कोने में लिया, जहां वो छंगे के साथ क्रॉस फायरिंग करके एकदम से दोबारा गायब हुआ। तब छंगा ड्रैको को ढूंढते हुए अंधों की तरह फायरिंग करने लगा, मतलब जहां मर्जी बिना देखे गोली चला रहा है। जैसे बीच ड्रैको ने आकर छंगे का एक हाथ काटा, जिसके बाद उसने छंगे का काम यहीं खत्म किया। तब ये देखकर बाकी किलर्स की लुप हो गई, लेकिन फिर मार्कस ने इन्हें समझाया कि देखो, अगर हमें ड्रैको से जीतना है तो फिर हमें एक साथ मिलकर उससे फाइट करनी होगी, क्योंकि अकेले अकेले तो हम उसके जाल में फंसकर मर जाएंगे, इसलिए हम एक साथ मिलकर जीत सकते हैं, जिसके बाद हम वो पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन इस बात के लिए ये पोपला किलर एग्री नहीं हुआ, जहां मार्कस से उसकी कुछ तूतू मैमे होती कि इतने में वापस से ड्रैको ने अपनी स्ट्रीमिंग ऑन करके पूछा कि बताओ अब अगला कौन है, जिस पर मार्कस उससे बोला कि अगला नहीं अगले बोलो, क्योंकि हमें पता है हम अकेले तुमसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि तुमने इस जगह काफी जाल जो बिछाए हुए हैं। तब ये सुनकर पहले तो ड्रैको नहीं माना, लेकिन फिर जब मार्कस ने उसकी थोड़ी बेइज्जती करी, तब ड्रैको बोला कि ठीक है तुम एक साथ आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 4 किलर ना कि 5, जिसका मतलब कि अब इनमें से एक किलर को एलिमिनेट होना होगा। तभी यह सुनकर पोपले ने मार्कस पर अटैक किया,
लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि वो अफ्रीका का भालू खुद ड्रैको से लड़ने चला गया है। जहां भालू अंकल कुछ आगे बढ़े ही थे कि उनके सामने ड्रैको खुद पहुंच गया, और भाई साहब जिसने भी सीन का डायरेक्शन कहो, शूटिंग कहो, जो भी किया ना भाई, एकदम घटिया। क्योंकि भाई इतने अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसको पेल दीस। लेकिन तभी ड्रैको ने लाइट जलाकर दिखाया कि भालू अंकल का कचालू निकल चुका है, जो देखकर इन चारों ने अपने अपने हथियार हाथ में लिए और एक साथ ड्रैको का सामना करने निकल गए। जाइन पर शुरुआत में ही ड्रैको के ग्रेनेड से एक हमला हुआ, जिसके धमाके से ये सब इधर उधर शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी ये लोग ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड थे। तब ये सभी बहुत ध्यान से आगे बढ़े, जहां अचानक से आशा के गले में एक फंदा आया, जो कि यहाँ छुपे हुए ड्रैको ने ही फेंका था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस का भी ड्रैको की एक पार्टनर विंडी से सामना हुआ, जहां मार्कस और विंडी आपस में भिड़ गए। तब विंडी बहुत बढ़िया तरीके से मार्कस का सामना करने लगी, लेकिन जल्दी ही मार्कस ने विंडी की गर्दन में अपनी भिंडी घुसा दी। दूसरी तरफ ड्रैको और आशा आपस में भिड़ने लगे, जहां जल्दी ही ड्रैको ने आशा की बजा दी पुंगी। तब जल्दी से यहां मार्कस भी पहुंचा, जिसने आशा की ये हालत देखकर मोमो को ब्लूटूथ के जरिए बताया कि भाई मोमो, आशा तो अब निराशा बन चुकी है। खैर, अब ये सुनकर मोमो और भी ध्यान से आगे बढ़ा, जहां ड्रैको मोमो से स्पीकर के जरिए बात करने लगा। तभी बात करते करते मोमो भाई एक रूम में आए, जहां ड्रैको उसका ही इंतजार कर रहा था। तब हमें पता चला कि असल में ड्रैको ने ही मोमो के फादर को मारा था, इसलिए मोमो भैया ने अपने फादर का बदला लेने के लिए उसका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब इनकी आपस में खूब धुप्पड़ होने लगी, जहां मोमो भैया ने अपनी चटनी की पावर दिखाते हुए ऑलमोस्ट ड्रैको की सांसें रोक ही दी थी कि इतने में ड्रैको ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मोमो की तीन में से दो टांगे काट दी। और ये थोड़ा डार्क जोक है, इसलिए ये मत कहना कि तीन टांगे कौन सी होती है, जो समझ गए वो समझ गए। खैर, अब ड्रैको ने मोमो भाई का भी खेला कर ही दिया। वहीं दूसरी तरफ पोपले ने खुद ही मार्कस पर हमला किया ताकि वो इस कॉम्पिटिशन का सारा पैसा जीत सके। हाँ, कॉम्पिटिशन जीता नहीं, उसके प्राइस की टेंशन पहले होने लगी भाई साहब को। खैर, अब किस्मत से पोपला मार्कस से काफी लंबा और तकड़ा था, इसलिए उसने मार्कस को प्रसाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाए पॉइंट पर वो मार्कस को मार भी देता, लेकिन तभी मार्कस ने अपनी लॉरा और बेटी को याद किया, जिसके बाद उसने वही हीरो वाली पावर से पोपले की टांग तोड़कर उसे इस पंखे में कटने फटने के लिए फेंक दिया। अब फाइनली इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ ड्रैको और मार्कस बचे थे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके एक दूसरे से लड़ने का मन बना लिया। तब मार्कस ड्रैको के पास पहुंचा, जहां इन्होंने चेक किया कि हाँ, वीडियो तो लाइक कर दी है ना, तो चलो अब फाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी ड्रैको ने अपनी शॉटगन निकालकर मार्कस पर फायरिंग शुरू करी, जिससे मार्कस ऐसे बच रहा था जैसे होली में हम गुब्बारों से बचते हैं। खैर, अब इनकी काफी क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें कि इनके गोटे गोली खत्म होते ही इन्होंने एक दूसरे से हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट करी, जिसे बीच ड्रैको ने एक टूटा हुआ ग्लास भी उठा लिया, जिससे कि उसने मार्कस पर हमला भी किया। लेकिन मार्कस ड्रैको को इस हॉट सीट पर बिठाकर उसका ही गिलास उसके ही गले में घुसाता कि तभी पीछे से यहाँ रोमन पहुंच गया, जिसने कि इनकी फाइट यहीं रोक दी। तब मार्कस को उसके $10 मिलियन की चाबी भी मिल गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अब उसके जाने से पहले ड्रैको ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। असल में कुछ इंटरनेशनल बेस्ट किलर्स ने एक ग्रुप बनाया है, जिससे कि बस पूरी दुनिया के ऑर्डर को ही बदल देंगे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए मुझे मेरे जैसा या कहूँ मुझसे भी पावरफुल किलर ही चाहिए था, जो शायद मुझे मिल भी गया। लेकिन तब मार्कस उसे मना करके यहाँ से चला गया, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहता था। ये ड्रैको के साथ तो मोह मोह हो गया। खैर, अब कहानी 6 महीने आगे आई, जहाँ एक रेस्टोरेंट में मार्कस अपनी बेटी के साथ कुछ माल पानी लपेट ही रहा था,
कि इतने में ड्रैको ने उसके फोन पर एक वीडियो भेजी जिसमें उसने देखा कि मार्कस के पिछले बॉस कोर्जा ने ही लॉरा पर गोली चलाई थी, जो देखकर उसने लूसिया को दूसरी टेबल पर भेजा। तभी यह ड्रैको भी पहुंचा जिसने बताया कि कोर्जा ने ही तुम्हारे फोन को क्लोन करके तुम्हारी बीवी को उस बार में आने के लिए मैसेज किया था। असल में कोर्जा ने उस इंटरनेशनल किलर ग्रुप से हाथ मिला लिया, इसलिए ही उसने तुम्हारी फैमिली को मारा ताकि फिर तुम यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़ दो। तब यह सुनते ही मार्कस कोर्जा से अपना बदला लेने साथ ही ड्रैको की हेल्प के लिए भी मान गया, जिसका मतलब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। लेकिन वो जब आएगा तब आएगा, पर तब तक आप हमारी द एक्सप्लेनर्स कल्ट फैमिली में आ सकते हो दोस्तों, जिसके लिए बस आपको सब्सक्राइब बटन की जान निकालनी है। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी शाउट आउट आएंगे दूसरे चैनल पर, तो उस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लो, जिसके लिंक ऊपर आई बटन, कमेंट सेक्शन सब जगह मिल जाएगी। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।